मध्य प्रदेश का ओनली हिल स्टेशन पचमढ़ी हम लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। जिस जगह भी मैं आया हूँ उसको बोलते हैं हांडी खो। सराउंडिंग्स देखिए जी, ये पूरा जंगल एरिया है। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। अभी आधे घंटे पहले बरसात होके हटी है और मेरा मन हो रहा है, जैसे बरसात के बाद जो मौसम खिल के निकल के आ रहा है ना, इससे मेरा मन हो रहा है कि मैं यहाँ वापस आऊँ, जब बारिशें होंगी ना तब आऊँ। तो मुझे आइडिया हो गया कि पचमढ़ी में अगर आपको बेस्ट इन्जॉय करना है तो बारिशों में आओ। हम देखिए यहाँ पे ये जगह देखने आए हैं, इसको बोलते हैं हांडी खो। और यहाँ पे ना एक बड़ा कैनियन है, ये देखो ना आपको दिखाई दे रहा है ना। अभी कुछ देर पहले मैंने बायनोकुलर लगा के भी देखा था, नीचे एक पानी की स्ट्रीम भी है, राइट है। और यही देखने लोग आते हैं, बड़ा मज़ा आता है। हमें आए हुए यहाँ आधा घंटा हो चुका है। कुछ देर पहले भैया ने हमें ये दिखाया था इनके टेलीस्कोप पे, एक बार दोबारा देख ले जी सर। ये बार आप बताइएगा इसके बारे में। भगवान का मंदिर है सर, चोलागढ़ का मंदिर है। मूर्ति जहाँ पे 78 मन की है, त्रिशूल लाखों की तादाद में। त्रिशूलों का वेट 50 ग्राम से लेकर 350 किलो तक। ये चोलागढ़ अगर अपने को गाड़ी से जाना है तो कितना पैदल ट्रैकिंग करना पड़ता है सर? महादो से वन साइड 3.5 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग, 1365 सीढ़ियाँ। तो कितना समय आने जाने में लगता है? 1.5 घंटा चढ़ने का, 1.5 घंटा उतरने का, 1 घंटा पूजा पाठ का। तो यहाँ तो थोड़ा मुश्किल है हमारा जा पाना, क्योंकि आने जाने में समय लगेगा, ऊपर से इतनी सारी सीढ़ियाँ मैं चढ़ भी नहीं सकता। लेकिन जगह बहुत अच्छी है और भैया बड़ी सेवा कर रहे हैं। एक हिसाब से 5 रुपये में आपको टेलीस्कोप